21, correct 3 moles B2SX are completed with methanol, the number of moles of boron containing the product form is. So B2SX ki reaction jab hum methyl alcohol se karate to banta this trimethyl borane. तो अगर इसको बैलेंस किया जाए, कह रहा है 3 मोल B2S6 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? देखो 3 मोल है तो POS ही लगा दो सिंपल, तो 6 मोल बोरोन हो गया, यानी 6 मोल अल्कोहल हो गया, साथ में वाटर निकल जाएगा. क्या अभी बात समझ में आ रही है? तो 6 18 यहां 18 आएगा. देखो क्या भाई, तो आंसर कितना हुआ? 6 हो गया. 3 मोल B2S6 से बोरोन के कितना प्रोडक्ट में कराया है कि बोरोन का मोल कितना होता है? 6 मोल लगा, तो आंसर इज 6. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX 0.01 मोलर इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX. तो बात जरा समझो, लैम्डा HX मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा HY अपने को दिया है दिस 10 टाइम स्मॉलर देन, का मतलब ये हो गया क्लियर. अब इसमें कह रहा है कि दोनों का लैम्डा नॉट यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी क्या है? सेम है. तो अगर अपन बात करें कि लैम्डा नॉट HX, लैम्डा नॉट HX इक्वल टू K इनटू 1000 बाय M, M की जगह अपन क्या रख देंगे 0.1. क्लियर है भाई? तो बात जरा समझो, लैम्डा नॉट HX, लैम्डा नॉट HY ऐसे लिख सकते हैं. अगर अपन कहे कि मान लो अल्फा निकालना है, HX का अल्फा 1 मान लो, तो अल्फा 1 जो होता है ये होता है लैम्डा HX बाय लैम्डा नॉट HX. क्लियर? इसी तरह अल्फा 2 HY का लैम्डा HY बाय लैम्डा नॉट HY. क्लियर? तो यहां से अल्फा 1 बाय अल्फा 2 का वैल्यू देखो जरा, अल्फा 1 बाय अल्फा 2 कितना आया? तो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 का वैल्यू आया लैम्डा HX बाय लैम्डा HY. क्लियर? इनटू लैम्डा नॉट HY बाय लैम्डा नॉट HX. तो ये तो दोनों बराबर है, ये तो गायब हो गया. और लैम्डा नॉट HX बाय लैम्डा नॉट 1/10 है, तो यानी यहां से अल्फा 1 बाय अल्फा 2 की वैल्यू 1/10 आ गई. अल्फा 1 बाय अल्फा 2 यानी अल्फा HX अल्फा HY, और KA ऑफ HX होगा C1 अल्फा 1 स्क्वायर, बिकॉज दिया हुआ है कि अल्फा 1 की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो नेग्लिजिबल हो गया. के ए ऑफ एच वाई सी 2 अल्फा 2 स्क्वायर. तो अगर अपन कहें के ए एच एक्स डिवाइड बाई के ए एच वाई इक्वल टू आएगा C1 बाय C2 अल्फा 1 बाय अल्फा 2 का स्क्वायर, तो C1 का वैल्यू अपनों को बिगिनिंग में दिया था 0.01 बाय 0.1 1/10 का स्क्वायर. तो यहां से आ गया 10^-3. तो अगर लॉग ले लें अपन, लॉग ऑफ के ए एच एक्स माइनस लॉग ऑफ के ए एच वाई इक्वल टू -3, तो यहां से अगर माइनस कर दें माइनस लॉग के ए एच एक्स प्लस log of K A H Y is equal to 3. तो ये क्या हो गया? This is PKA of HX, PKA of HX minus PKA of HY is equal to 3. तो ये तो पूछा था अपने को difference, दोनों का PKA का difference, तो answer is 3. माइनस पी के ए ऑफ एच वाई इज इक्वल टू 3, तो आंसर इज 3. क्लियर है भाई?
Question number 24. Carrying dilute aqueous solution, the complex dioxoxylate ferrate second. बात समझो, इसका एन फैक्टर 5, इसका भी एन फैक्टर 5, तो अगर इसको बैलेंस करें तो फोर सीओ टू, और अगर एफ बैलेंस है ऑक्सीजन बैलेंस करें तो यहां से अपना 8, 10, 14, तो यहां से आ जाएगा 6H2O, तो यहां से अपने को 4 है 12 8H+, दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। देखो भाई, क्लियर? तो आप क्वेश्चन में पूछ रहा है द रेशियो ऑफ रेट चेंज ऑफ H+ प्लस यानी -1/8 DH+/DT इज इक्वल टू K, इनका जो भी ऑर्डर होगा पावर एक्स पावर वाई, ठीक है, ये आ गया। और के एम एन ओ फोर का लिखोगे माइनस डी एम एन ओ फोर माइनस बाई डी टी इक्वल टू सेम पावर एक्स पावर वाई, ये ऑर्डर है, यही सब इनका पावर, दोनों को डिवाइड करोगे तो रेशियो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 8, यानी डी एच प्लस बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एम एन ओ फोर माइनस बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया 8, तो आंसर इज 8। आंसर इज 8। क्वेश्चन नंबर 25, H प्लस हीट, एच प्लस हीट से करा P बना, P में एक्वस डाइल्यूट के एम एन ओ फोर की रिएक्शन, वो भी एक्सेस में, तो Q मिला, क्लियर? अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन Q, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन Q, तो अगर इसका सोल्यूशन बात करें तो देखो, सबसे पहले H प्लस क्या करेगा, ओके लोन पे अटैक करेगा, वाटर निकालेगा, तो यानी सबसे पहले H प्लस अटैक किया माइनस वाटर, H प्लस अटैक किया माइनस वाटर, यहां H प्लस अटैक किया वाटर निकला, यहां बना पॉजिटिव चार्ज, ये इससे मिथाइल शिफ्टिंग हो गई 1-2 मिथाइल शिफ्ट, यहां से शिफ्ट यहां आ गया, ये क्योंकि हीटिंग साइन लगा था तो यहां से ये आया प्रोडक्ट। अब जब इसमें डाइल्यूट के एम एन ओ फोर की रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट के एम एन ओ फोर की रिएक्शन, तो ये जो कंपाउंड है, अगर आपको याद हो क्लास में करे थे हम लोग, के सिन एडिशन हो जाता है, तो OH OH यहां आ जाएगा, तो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए प्रोडक्ट में 4, तो आंसर इज 4।
This is a Gutterman Koch reaction, jiska product aata tha benzaldehyde. This is a simple hydrolysis, jisse CHOH aayega, 2OH, baad mein water eliminate ho jayega aur product aa jayega CHO. This is a third is a Rosenmund reduction, aur iska product aata tha, yaad karo, benzaldehyde. And this is the last divalase reduction. Divalase char group ko reduce karta tha, acid, cyanide, ester and COCl, aur sab ko le jata tha CHO mein. To iska answer aayega ye. To answer kya ho gaya? 4. Question number 27. Kara in the complex acetyl bromo, acetyl bromido dicarbonyl base triethyl phosphine iron second, the number of FeC bond. तो ऐसा है कि इसका जो नाम लिखा है, अगर इससे हम स्ट्रक्चर बनाएं, ये हो गया acetyl group, इसके बाद dicarbonyl हो गया, इसके बाद है एक BR हो गया, इसके बाद है ट्राइफिनाइल, तो 20 लगा है, इसका मतलब कि यहां पे क्वेश्चन है ट्राइइथाइल फिनाइल, तो ट्राइलाइफोसिन, तो PET3, ध्यान से, और 20 लगा है तो इसका मतलब दो होंगे ट्राइथाइल फॉस्फीन. अब इसमें बात जरा समझी जाए कि इसमें लिख रहा है कि आयरन थर्ड, नहीं आयरन सेकंड, तो कह रहा द नंबर ऑफ एफईसी बॉन्ड, तो एफईसी बॉन्ड तो सीधे स्ट्रक्चर देख के ही आ गया, 1, 2 और ये 3, तो आंसर क्या हो गया 3. एफईसी बॉन्ड कितने होंगे? 3 होंगे. CONH2, देखिए बहुत सारे कंपाउंड दिए हैं और उसमें आपको पूछा था नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो अगर आपको याद हो क्लास में अपने बताए थे, बहुत सारे फॉर्मेट बताए थे कि MAB टाइप, MAB2 टाइप, MA2B4, MA3B3 टाइप, तो उसी से अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो इसमें कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो आपका जो आंसर आएगा सारे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें शो करेंगे, तो आंसर जो है इसका सीधे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है 6. क्वेश्चन नंबर 29, ये तो अब इसमें कह रहा था EUAs, तो अगर आपको याद है पहले H+ यहां से रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन एज अ इलेक्ट्रोफाइल, यानी पहले CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, H+ से रिएक्शन किया और ये बना दिया, और ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, -H+ बाद में निकल जाके, तो सब लोग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़े थे, दिस इज क्यूमीन, और जब इसकी रिएक्शन O2HNU से होती थी, तो अगर आपको याद हो PH CCH3 CH3 ये बनता था, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, तो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 30,
ये W पूछा है, तो पहली रिएक्शन जो है वो है आपकी डाइजोटाइजेशन। तो पहली रिएक्शन से तो बनेगा N2 प्लस Cl माइनस, और जब इसकी रिएक्शन बीटा नेप्थॉल से कराएंगे, जब इसकी रिएक्शन बीटा नेप्थॉल से, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल यहां इसके अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा। और कलर डाई अगर आपको याद हो, रेड कलर की डाई बनती थी, दिस इज आंसर, चेक करें, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 31, क्या द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट SClO, सेकेंड SClO2, थर्ड SClO3, फोर्थ SClO4। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2। तो देखो द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड इन सेकेंड, तो अगर सेकेंड की बात करें तो इसका जो सेकेंड का स्ट्रक्चर होगा, ये होगा, चेक करें, और इसका स्ट्रक्चर चेक करें, तो करा था नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स इन सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर, नहीं तो गलत हो गया, ठीक है भाई, इसका फर्स्ट पार्ट गलत हो गया। दूसरा, सेकेंड पार्ट कह रहा है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन Cl इन सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर इज 3। तो कह रहा है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन Cl इन सेकेंड, तो अगर हम सेकेंड की बात करें, सेकेंड का मतलब SClO, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन से 1 यहां चला गया, इलेक्ट्रॉन से 2 यहां चले गए, तो बचे कितने भाई, 4, तो इसका मतलब कितने लोन पेयर हैं, 2, क्लियर करें। एंड थर्ड में देखो, अगर हम बात करें कि भाई थर्ड में कितने लोन पेयर हैं, तो बात क्लियर करो, यहां पे अगर देखोगे तो क्वेश्चन में दिया है द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन Cl इन सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर इज 3, तो यहां लोन पेयर कितने, एक ही तो है, तो 2 लोन पेयर यहां आ गए, 1 लोन पेयर यहां आ गया, तो टोटल लोन पेयर क्या हो गए, 3, तो बी तो आंसर सही हो गया। सी कह रहा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन फोर्थ, तो फोर्थ का मतलब SClO4, SClO4 का मतलब स्ट्रक्चर हो गया इसका sp3 है, तो ये भी सही है, इसका मतलब सी भी सही हो गया, क्लियर। डी कह रहा है अमंग फर्स्ट टू फोर स्ट्रॉन्ग एसिड इज फर्स्ट, ये गलत है, तो आंसर क्या हो गया भाई, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा था पेयर ऑफ आयंस वेयर बोथ द आयन आर प्रेसिपिटेटेड अपॉन पासिंग H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, अगर आपको याद हो H2S और डाइल्यूट HCl सेकेंड ग्रुप का रिएजेंट है, तो सेकेंड ग्रुप के रिएजेंट में होते थे पंजाबी कुत्ते कौड़ी बीमार होंगे, इसका मतलब पंजाबी कुत्ते कौड़ी बीमार होंगे का मतलब समझिए, अगर अपन ने कहा कि इसका क्या मतलब है, तो पंजाबी कुत्ते कौड़ी बीमार होंगे, इसका मतलब Pb+2 Cu+2 Cd+2 Bi+3 Hg+2, चेक करें, ये सेकेंड ग्रुप का रिएजेंट है। तो अब इसमें देखें Ba नहीं हो सकता, BiFe+3 नहीं हो सकता, सी ऑप्शन Cu+2 और Pb+2, तो Cu+2 और Pb+2 ये बिल्कुल होंगे, और Hg+2 और बिस्मत+3, तो आंसर हो गया सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 33, करा अंडर
hydrolytic condition, the compound used for preparation of linear polymer and chain termination respectively are. ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें जो है अपन ये यूज करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो है टर्मिनेशन में और पॉलीमराइजेशन में ये कंपाउंड यूज करते हैं. सिलिकेट्स अपन ने पढ़ा था. कर्स फ्रॉम द मेटल टू O2, द टू स्टेटमेंट्स करा O2 इज फिजिसॉर्ब्ड, तो ये तो केमिसॉर्ब्ड होता है तो ये नहीं होगा. हीट इज रिलीज, क्योंकि हर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो भी सही हो गया. ऑक्युपेंसी ऑफ पाई स्टार 2pi ऑफ O2 इज इंक्रीज, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मेटल से इलेक्ट्रॉन जो जाता है O2 के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है तो पाई स्टार में जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ O2 इंक्रीज, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर कमेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी. तो इसका आंसर हो गया BC and D. क्वेश्चन नंबर 35, करा 1 mole ऑफ मोनाटॉमिक रियल गैस सेटिस्फाई द इक्वेशन PV-B इज इक्वल टू RT. दिस इज अ रियल गैस इक्वेशन. अब करा वेयर B इज अ कांस्टेंट, द रिलेशनशिप ऑफ इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस. देखिए इसका मतलब है कि इसमें अट्रैक्शन फोर्स निग्लिजिबल है, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स इक्वेशन के हिसाब से डोमिनेटिंग है. तो इसका मतलब हुआ कि जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से इंक्रीज होनी चाहिए. उसके हिसाब से आंसर, अगर मान लो आपने डिस्टेंस कम करते जा रहे हो, जब एक डिस्टेंस ऐसी आएगी कि जिसमें रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी खट से बढ़ेगी. तो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 36. इसमें कह रहा है सबसे पहले O3, सेकेंड जिंक H2O, जिससे ये कंपाउंड जो बनेगा, आपको बताया गया था कि कभी भी अगर एरोमेटिक रिंग दी हो उसके साथ अगर डबल बॉन्ड दिया है तो यहां CHO बनेगा, यहां CH2CHO बनेगा. इसमें रिएक्शन आप करा रहे हो अमोनिया की, तो अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा. ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये देखें, ये H+ यहां से यहां आ जाएगा. अब ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक किया और एन का लोन पेयर यहां गया, जिससे ये बना, यहां से H+ निकला और यहां गया. और जब इसको हीट करेंगे तो यहां से हुए, यहां से H वाटर निकलेगा. तो यहां CH, यहां डबल बॉन्ड N, यहां CH, ये आंसर आएगा. तो आंसर इज A.
क्वेश्चन नंबर 37 पैराग्राफ दिया है, करा व्हेन 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl मिक्स विद 100 ml ऑफ 1 मोलर NaOH, तो 100 ml NaOH और 100 मोलर NaOH मिला रहो इन एन इंसुलेटेड बीकर एट कांस्टेंट प्रेशर, टेंपरेचर इंक्रीज 5.7 डिग्री वाज मेजर्ड फॉर द बीकर एंड इट्स कंटेंट्स एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट 1। ठीक है भाई, बिकॉज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस इज अ कांस्टेंट -57 किलो जूल पर मोल, दिस एक्सपेरिमेंट कुड बी यूज्ड टू मेजर द कैलोरीमीटर कांस्टेंट। ठीक है, इन सेकंड एक्सपेरिमेंट करा कि 100 ml 2 मोलर एसिटिक एसिड वाज मिक्स्ड विद 100 ml 1 मोलर NaOH अंडर आइडेंटिकल कंडीशन टू एक्सपेरिमेंट नंबर 1, हियर द टेंपरेचर राइज ऑफ 5.6 डिग्री वाज मेजर्ड, हीट कैपेसिटी दी है सॉल्यूशन की। तो अब बात जरा समझो, करा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो 57 किलो जूल है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की। तो ऐसे सोचो कि यार जब HCl NaOH से न्यूट्रलाइज किया तो NaCl प्लस वाटर बना, इसका मतलब इसमें डेलेज का वैल्यू -57 किलो जूल देने का मतलब कि जब ये न्यूट्रलाइज किए तो 57 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन क्योंकि 1 रिलीज कितनी हो रही है यहां 100 मिली इक्विवेलेंट 100 मिली इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो अगर 100 मिली इक्विवेलेंट 100 मिली इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो अगर हम कहें कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब 1000, तो 1000 मिली इक्विवेलेंट अगर न्यूट्रलाइज करते तो हीट इतनी वोल्ट होती, तो जब 100 कर रहे हैं तो कितनी वोल्ट होगी, क्या भाई 5.7 वोल्ट होगी। तो अगर हम कहें कि मान लो क्या हुआ कि जब 5.7 किलो जूल इवोल्ड हुई हीट, 5.7 ध्यान रखना 100 मिली इक्विवेलेंट के लिए, तो ये जो बराबर वैल्यू आनी चाहिए यानी चाहिए एमएस डेल्टा टी, ठीक है भाई, प्लस सी डेल्टा टी, सी क्या है कैलोरी मीटर, सी टी लिख देते हैं कैलोरी मीटर का हीट कैपेसिटी, तो एम को ले सकते हैं हम 200 क्योंकि 200 ml का मतलब 200 ग्राम डेंसिटी वन दी है, यहां 4.2 जूल और डेल्टा टी 5.7 प्लस सी टी इंटू 5.7 इतनी। तो यहां से अपन बात जरा समझे, यहां से अपन सी टी निकाल लेंगे, सी टी का मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर निकाल लेंगे, फिर जब अपन ने वीक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन किया तो एसिटिक एसिड, अच्छा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिटिक एसिड NaOH का न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, तो यहां पे क्या हुआ कि ये रिएक्शन हुई और इसमें 100 ml 2 मोलर यानी 200 मिली इक्विवेलेंट इसका है और 100 मिली इक्विवेलेंट इसका है, क्लियर करें। तो जब इसका 200 मिली इक्विवेलेंट है इसका 100 मिली इक्विवेलेंट है तो न्यूट्रलाइज तो देखो 100 मिली इक्विवेलेंट ही हुआ, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में तो 100 मिली इक्विवेलेंट ही होगा क्योंकि ये जो लिमिटिंग है उसी के हिसाब से देखते हैं। तो इसमें जो हीट इवॉल्व होनी चाहिए क्यों, ये इवॉल्व होनी चाहिए एमएस डेल्टा टी प्लस सी टी डेल्टा टी, क्लियर करें। तो यानी जो Q का वैल्यू आएगा ये तो आएगा 200 4.2 इंटू 5.6 प्लस सी टी डेल्टा टी का वैल्यू 5.6 डिग्री और सी टी का वैल्यू आप ऊपर से निकाल चुके हो, तो यहां से Q का वैल्यू निकाल लोगे कि यार कितनी हीट इवॉल्व हुई। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगी 57 किलो जूल, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग की कितनी थी 57 किलो जूल, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड ये कितना आ जाएगा 57 माइनस 56 तो 1 किलो जूल, तो आंसर इज ए। ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट टू में क्या हो रहा है, एसिटिक एसिड का रिएक्शन NaOH से हो रहा है,
तो ये क्या बन रहा है? सोडियम एसीटेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। इसके कितने मिलीक्वलेंट है? 200 मिलीक्वलेंट। इसके 100 मिलीक्वलेंट, ये लिमिटिंग जीरो, तो ये हो गया 100 मिलीक्वलेंट और ये बन के आ गया 100 मिलीक्वलेंट। इसका मतलब क्या बन गया? दिस आर एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर का फॉर्मूला लगा दो तो पीएच का वैल्यू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट की जगह 100, बचा हुआ एसिड 100, यानी पीएच का वैल्यू पी के यानी 4.7। आंसर इज बी। देखा जाए, करा C8H6 PDBaSO4H2 C8H8 करा, फर्स्ट कराए B2S6, सेकेंड कराए H2O2 NaOH वाटर, इसे X मिला। ये है क्वेश्चन, अब कह रहा पहला क्वेश्चन है 39X। तो ऐसा देखो कि क्वेश्चन में यहां पे ये रिएक्शन हो रही है, यानी ये है एक प्रकार से एल्काइन का ऑक्सीडेशन, यानी ये एल्काइन है। अब अगर ये एल्काइन है और फॉर्मूले में देखो ये हो रहा है, इसका मतलब कहीं एक जगह ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें कंफर्म ऑप्शन से देख कर लग रहा है कि बेंजीन रिंग तो पक्का है। अगर बेंजीन रिंग पक्का है तो जो बिगिनिंग का कंपाउंड है, बिगिनिंग का, वो ये होना चाहिए। देखो अगर ये हुआ, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी अपने 6 है, इसमें भी 6 है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसका रिएक्शन HgSO4 H2SO4 वाटर से हुआ तो बनेगा PHCOCS3, दिस इज नोन एज एसिटोफिनोन। और इसकी रिएक्शन जब ETMGBR वाटर सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड H प्लस हीट से कराओगे तो आएगा PHCOH CS3 CH2 CS3, और हीट कर दोगे तो आ जाएगा PHCCH CS3 CS3। देखो तो ये जो आएगा ये वाई है, ये वाई है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में वाई पूछा है, तो देखो पीएच सी डबल बॉन्ड सी एस सी एस थ्री, तो आंसर इज डी। तो यानी वाई जो आया 39 एंड 40 पैसेज है, तो वाई जो आया वाई इज डी, वाई इज डी। अब एक्स के लिए कि यहां से बिगिनिंग कंपाउंड तो ये है, इसमें जब PDBaSO4 लिंडलार्स कैटलिस्ट है भाई, ये इससे एल्कीन बनती थी, ये बना, और इसका कराया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो आंसर आएगा PHCH2CH2OH। तो ये हो गया X। तो X इज क्या भाई, बात समझ में आई? ओवरऑल पेपर देखोगे तो बहुत आसान था। अगर आप क्लास नोट्स देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चन क्लास नोट्स से हैं, तो पेपर आसान था। आप कितने मार्क्स लाते हो आप देखेंगे।